नमस्ते दोस्तों, गीतांजलि की दुनिया में खूब खूब स्वागत है। आज दोस्तों जैसे शादियों में, पार्टियों में या रेस्टोरेंट में सैलेड बनता है, सलाद मिलता है, वही आज हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए, पहले एक प्याज लिया है, उसको छील लिया है, अब इस तरीके से कट कर लेंगे। एक इस तरीके से कट मार के इसका छिलका ही उतार लेंगे। ये डबल छिलका उतारें जिससे अंदर वाला प्याज अच्छे से निकल आए। अब इसके ऐसे स्लाइसेस पतले पतले काट लेंगे। आप आरी वाली चाकू से काटेंगे तो आसानी से कट जाता है। मैं तो आरी वाली चाकू इस्तेमाल कर रही हूँ। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये प्याज वो वाला है जिसमें पूरे रिंग नहीं निकलेंगे, बीच में दो खाने से बने हुए हैं तो अलग अलग टुकड़े निकलेंगे, तो उनका यूज़ उस तरीके से करना होगा, क्योंकि प्याज में अलग अलग तरीके के, कई बार पूरे रिंग निकलते, कई बार उसमें दो दो प्याज अंदर से होते हैं, तो ये वही वाला प्याज है, तो इनका यूज़ अलग तरीके से करेंगे। ये देखिए, रिंग इसके एक या दो निकलेंगे, बाकी इसमें दो अलग टुकड़े निकलेंगे। ये देखिए, एक रिंग निकला, ये देखिए एक एक निकल रहा है। और ये अच्छी बात है कि इस तरीके का प्याज निकला, तो इसमें दो तरीके की सजावट हो पाएगी। इन सबको इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। दोस्तों खीरा है ये, आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें उसको अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करें। सभी चीज़ों को आप एक बार नमक के पानी में भी डाल सकते हैं। नमक के पानी में 5 मिनट पड़ा रहने दीजिए और फिर इस्तेमाल करिए। सब हरे छिलकों को साफ़ कर लिया। अब ये जो पिलर का किनारा होता है, जिगजैग सा बना होता है, उससे ये लाइनिंग बना देंगे। अगर आपके पिलर में इस तरीके का किनारा ना हो, जिगजैग वाला, तो आप इसको फोक से कर सकते हैं। फोक से भी अच्छी लाइनें बन जाती हैं, फोक से भी गहरी। अब देखिए काटने का तरीका, देखिएगा किस तरीके से रखेंगे। खीरा थोड़ा बीजे वाला दिख रहा है, कोई बात नहीं। खीरा कट गया, इसको भी उसी प्लेट में सेपरेट रख लेंगे। अब ककड़ी काटेंगे, ये ककड़ी है, इसको तो पानी में पड़े रहने देना पड़ता है, नहीं तो ये मुरझा सी जाती है। दोस्तों ककड़ी को ध्यान से देखिएगा कि ऊपर से थोड़ा हिस्सा लेंगे और नीचे से भी थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा कर लेंगे। देखिएगा, ये देखिए, आप कभी भी किसी पार्टी में जाएंगे तो आप देखिएगा कि वहाँ पर सलाद ऐसी चीज़ है कि एंट्रेंस से सामने ही आपको जहाँ प्लेट्स लगी होंगी वहाँ पर सैलेड सजा होगा, क्योंकि वो सुंदरता बढ़ाता है। और खीरा ककड़ी इसी तरीके से कटे होंगे, आप रेस्टोरेंट में भी कभी खाना खाते होंगे तो देखेंगे कि खीरा ककड़ी इसी ओवल शेप में कटे होते हैं, तो मैंने सोचा चलिए आपको ये सिखाती हूँ। टमाटर के स्लाइसेस, दोस्तों अगर आपका टमाटर ढीला हो थोड़ा, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए,
5-10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे तो अच्छे से कटेगा। और अगर आप एक तरीका और भी अपना सकते हैं कि ठंडा पानी फ्रीज़र फ्रिज का, उसमें आप अपने ये सारी फल जो जिनका जिनका सलाद बनाना हो उनको आप ठंडे पानी में डाल दीजिए तो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब दोस्तों टमाटर में आप देखिएगा इस तरीके से कट लगाएंगे इस तरीके से, और जब भी कट लगाएंगे तो आप उस कोने से उस कोने को मिलाएंगे, और चाकू देखिए कितने अंदर तक जा रहा है दोस्तों, पर इतना भी अंदर नहीं जाने देंगे कि वो आर पार हो जाए, बस इतना कि अंदर तक कटिंग हो जाए जिससे कि जब इसको खोलें तो ये अच्छे से खुल जाए। और कितना अंदर जाना है ध्यान रखें, ये देखिए इस कट को लास्ट में इस कट से मिलाएंगे, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और इस तरीके से फ्लावर तैयार हो गया। ये अगर ढीला होगा तो नहीं, आप प्लेटिंग करेंगे दोस्तों, ये कटोरी रखेंगे, बहुत बड़ा सीक्रेट है। आप देखते होंगे बिल्कुल अच्छे से सजा होता ऊपर तक, तो अंदर कुछ इस तरीके से आप देखिए इसको, इसमें ककड़ी के पीसेस लगाएंगे, फूल तैयार कर रहे हैं। ये फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ हैं, ये देखिए डबल लेयर का फ्लावर है। इनको ऐसे इन ककड़ी को खड़ा खड़ा करेंगे क्योंकि ऊपर का फूल के जो ऊपर की लेयर होती है उसमें थोड़ा फूल बंद बंद सा होता है। इस तरीके से इस फूल को बनाएं, आप पहले इमेजिन कर लीजिए फिर उसके बाद बनाना शुरू करें। अब दोस्तों कटोरी को ढकना है, कटोरी दिखनी बिल्कुल नहीं चाहिए नहीं तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर मैं आपको ना बताती कि कटोरी रखी है तो आप पता भी नहीं लगा पाते कि अंदर कटोरी रखी है। सारे स्लाइसेस को, अगर टमाटर कम पड़े तो एक टमाटर और काट लें, लेकिन इसको बिल्कुल अच्छे से ढक दें। अब दोस्तों जो खीरा काटे थे उनको आधा अंदर रखेंगे आधा बाहर, इतना भी बाहर नहीं कर देंगे कि प्लेट उठाने पे वो सारे बिल्कुल ही बाहर आ जाए। इस तरीके से रखेंगे कि थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर, और जो आधे भी कटे हो उनको भी रख लीजिए, कोई बात नहीं, ये सब इनके ऊपर अभी सजावट हो जाएगी। और एक खीरे से देखिए दोस्तों पूरी प्लेट तैयार हो गई, बहुत महीन भी नहीं काटते और बहुत मोटा भी नहीं काटते। अब जो ककड़ी के पीसेस हैं उनको रख लेंगे दोस्तों, अरेंज बिल्कुल एक इस तरीके से करें कि दूरी बराबर रहे, नहीं तो कोई किसी पे चढ़ गया और कोई दूर है तो वो भी नहीं सुंदर लगेगा। सुंदरता का मतलब सुंदरता। अब दोस्तों जो प्याज के छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े निकले थे उनको हर ककड़ी के बीच में रखेंगे। हर जगह को भरना है और वो भी तरीके से। दोस्तों इन दिनों तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो जो अपने घर में है वो उसी से ही सजाएंगे। देखिए जो रिंग निकले थे ऑनियन के, प्याज के जो रिंग थे उनको इस तरीके से रखेंगे ककड़ी के ऊपर। दोस्तों सलाद पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं गीतांजलि की दुनिया में, बाय बाय।